नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं बीएस दांगी सत्यादी शर्मा क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज क्लास लेने वाले हैं वर्ग तीन की। वर्ग तीन के संबंध में कुछ बातें अब हम कर ली जाए। दोस्तों, कई प्रकार के भ्रामक संदेश इस समय जो है देखने को हमें मिल रहे हैं, तो इन संदेश या इस प्रकार की चीज़ों में आपको संलग्न नहीं होना है। ये एक आदर्श समय इस है जिसमें आप तैयारी को उच्चतम बिंदु तक पहुंचा सकते हैं या वास्तविक रूप दे सकते हैं। इसके बारे में आगे और भी बातें करेंगे। मैं सीधे चैप्टर पर आता हूं और हम चैप्टर यहां लेने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत चिंतन। दोस्तों, चैप्टर हमारा है चिंतन, इसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं थिंकिंग। दोस्तों, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। दोस्तों, हम सभी के सामने आज एक चैप्टर लेकर आए हैं चिंतन, और यही चिंतन करने का एक सही समय है कि हम अपने बारे में चिंतन करें। चिंतन यहां पर कितने प्रकार के होते हैं, कितने रूप इसके देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी बातों पर हम ध्यान देंगे, विस्तृत रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चिंतन की हम बात करते हैं, हमारे शब्दों में या सामान्य शब्दों में हम कहें तो हम किसी के बारे में विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। वास्तविकता में यही एक चिंतन है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसको अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कहा जाता है कि चिंतन एक उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान को संगठित किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस को लेकर जितने भी वैज्ञानिक हैं, देश है, राष्ट्र प्रमुख है, ये सभी क्या कर रहे हैं, उच्च स्तर पर क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से एक चिंतन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे उसको जिस महामारी को समाप्त किया जाए जिसके माध्यम से ज्ञान को संगठित किया जाता है। अर्थात ज्ञान जो इधर उधर या सभी जगह का ज्ञान है उसको एक जगह पर स्थित करने का काम किया जाता है। तो चिंतन एक उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आसान शब्दों में समझिए, अगर आपको कल किसी को 10,000 रुपये देने हैं और आपके पास एक भी रुपया भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उच्च संज्ञानात्मक हर तरह से आप क्या करेंगे, विचार करेंगे कि कैसे इसके पैसे दिए जाए भाई, और जिसके माध्यम से ज्ञान को संगठित किया जाता है, और पूरी तरह से कि हाँ भाई, मेरे पास क्या ऐसी सामग्री है जिसको मैं बेच कर 10,000 रुपये प्राप्त कर सकूँ, मेरे सामने कोई ऐसा आदमी है क्या जिससे मैं ले सकूँ। अर्थात ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान को संगठित किया जाता है या संगठित करने का कार्य किया जाता है। वीडियो क्वालिटी चेक करना ज्यादा जरूरी है और कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो जो इस समय बना रहा हूँ, ये दरअसल हमारे गृह निवास पर घर की छत पर बनाया जा रहा है, क्योंकि कई प्रकार की दिक्कतें या कमरे में आवाज गूंजने जैसी एक समस्या आ रही थी पिछले वीडियो में, तो मैंने इस बार पूरा सेटअप जो छत पर तैयार किया है अभी, तो कुछ प्रकार के आपको हो सकता है कि दूसरी आवाज़ें भी यहाँ पर आती हों, लेकिन कोशिश करें कि हमें जो चीज़ समझना उसको हम ग्रहण कर सकें। चिंतन की बात हमने कर ली, वैलेंटाइन ने क्या कहा है दोस्तों इस संबंध में, एक वैज्ञानिक हुए हैं वैलेंटाइन। दोस्तों, वैलेंटाइन के शब्दों में देखें, आसान शब्दों परिभाषा दी इन्हें, चिंतन शब्द का प्रयोग
उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है, उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है, उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की ओर, उद्देश्य या लक्ष्य की ओर अविराम गति से, अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। दोस्तों ये वैलेंटाइन की परिभाषा है और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझना है सिर्फ। इन्हें क्या कहा है कि चिंतन, थिंकिंग, चिंतन शब्द का प्रयोग ऐसी प्रोसेस के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, पूरे के पूरे विचारों का एक समूह किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। अर्थात पूरी तरह से जितने भी श्रृंखलाबद्ध विचार है एक सीरीज के रूप में है, वो किसी फिक्स टारगेट को हासिल करने के लिए या निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। अर्थात चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचारों का एक समूह उसी की ओर चलता है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देखिए, कोरोना वायरस, इस महामारी को खत्म करने के लिए दुनिया के सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं और किस तरह से लगे हुए हैं, श्रृंखलाबद्ध विचार अर्थात विचारों का एक समूह किस तरह से भाई वायरस खत्म किया जा सकता है, मलेरिया के जो एंटीडोट है उनका यूज किया जा रहा है, शायद HIV में जो दवाई प्रयोग की जाती है, मेडिसिन प्रयोग की जाती है, उसका भी अभी सुनने में आया था न्यूज में कि उसके माध्यम से भी इसका समाधान संभव हो सकता है। अर्थात विचारों का एक श्रृंखला होती है, निश्चित श्रृंखलाबद्ध विचार किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, बिना रुके लंबे समय तक प्रवाहित होते रहते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके सामने, परिभाषा वैलेंटाइन की, चिंतन एक उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसकी बात हमने की थी अभी और समझा है इसको हमने। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर समझ में नहीं आया तो आसान शब्द में समझिए, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का समूह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यशील हो जाता है। अर्थात एक अगर गृहिणी है, महिला है, अगर उस सब्जी बनानी भी होती है तो चिंतन करती है विचारों का एक समूह कि भाई मेरे पास क्या सामग्री है, क्या बनाया जा सकता है, वो विचार कर रही है, मतलब विचारों का समूह ही क्या है, चिंतन है। एक विद्यार्थी एक जॉब को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, विचारशील रहता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, मैं क्या करूं, अर्थात वो भी क्या कर रहा है, चिंतन ही कर रहा है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 पर आते हैं हम और यहां पर देखेंगे हम चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। दोस्तों चिंतन के प्रकार हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर चिंतन के प्रकार कौन कौन से हैं और वे कौन कौन से प्रकार हैं जो चिंतन के अंतर्गत मुख्य रूप से माने जाते हैं। दोस्तों दो नाम आते हैं यहाँ पर चिंतन के प्रकार को लेकर में, जिम्बार्डो तथा रुक, तथा रुक, ये दो व्यक्ति हैं। इन दो व्यक्तियों ने, जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के दो प्रकार माने हैं। दोस्तों व्यक्ति भी दो हैं और चिंतन के प्रकार भी दो हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार देखेंगे दोस्तों हम, तो पहला प्रकार यहां पर है स्वलीन चिंतन, स्वलीन चिंतन, इसे हम नाम देते हैं एक और आर्टिस्टिक थिंकिंग, और दूसरा है दोस्तों यथार्थ चिंतन, यथार्थ चिंतन, इसको हम कहते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। प्यारे दोस्तों चिंतन के दो रूप हमारे सामने निकल कर आए,
आपके मन में आ रहा होगा कि अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन कब आएगा, उन्हीं के बाद हम देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से दो चिंतन है, ऐसा चिंतन जिसमें आत्मचिंतन देखने को मिले, आत्मचिंतन, स्वयं के विचार, स्वयं के बारे में, या फिर दिवा स्वप्न देखता रहे, खुद के बारे में देखे, खुद के बारे में सोचे और कल्पना लोक में विचरण करता रहे, ऐसा चिंतन कहलाता है क्या? स्वलीन चिंतन। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप सोचे दिवा स्वप्न मतलब दिन में सपने देखते रहना, ख्याले पुलाव पकाना, ये दिवा स्वप्न होता है। स्वयं के बारे में विचार कर रहा है व्यक्ति, अर्थात चिंतन का ऐसा स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चिंतन का ऐसा स्वरूप जिसमें व्यक्ति के द्वारा स्वयं के बारे में विचार किया जाता है, स्वयं के बारे में मनन किया जाता है और जिससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता, वो स्वलीन चिंतन कहलाता है। इसमें स्वयं के बारे में विचार किया जाएगा, स्वयं के बारे में विचार करता रहेगा। जबकि यथार्थ चिंतन, वास्तविक चिंतन है, यह चिंतन का शुद्ध रूप है, यह वास्तविक चिंतन यही कहलाता है। ये चिंतन का वास्तविक रूप ही आर्टिस्टिक चिंतन, सॉरी, पहला वाला रहेगा, रियलिस्टिक चिंतन है दूसरा वाला। अब यहां देखिए, हम यथार्थ चिंतन, चिंतन का ऐसा स्वरूप जिसका प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है, वो यथार्थ चिंतन कहलाता है। दोस्तों, एक बार फिर सुनेंगे, चिंतन का ऐसा स्वरूप जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, जिसका संबंध वास्तविकता से होता है और जिसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है, उसे यथार्थ चिंतन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करें, अभी आप सभी घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठकर कोई अगर आप में से विद्यार्थी स्टूडेंट अगर कह रहा है कि भाई मेरा कमजोर पक्ष बाल विकास में है कि पर्यावरण में है कि मैथ्स में है, और उसको विचार करके बैठा हुआ है कि मैं तो इसमें कमजोर हूँ, अगर इसमें हो गया तो क्या होगा, अगर ये मैथ्स ज़्यादा टाइट पूछ लिया गया तो क्या होगा, एग्जाम नहीं हुई तो क्या होगा, और विचार कर रहा है बस, मतलब स्वलीन चिंतन कर रहा है। और अगर दूसरा बंदा या कोई दूसरा विद्यार्थी विचार कर रहा है कि भाई मेरा कमजोर पक्ष है मैथ्स, मेरा कमजोर पक्ष है बाल विकास, और उस पर काम कर रहा है कि अगर ये कमजोर है तो मैं इसको बार बार पढ़ूंगा, इसको समाधान करूंगा, मतलब वो कैसा चिंतन कर रहा है? यथार्थ चिंतन। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो घर पर बैठे हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ विचार कर रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसे करने से ये मिलेगा, और कर कुछ भी नहीं रहा है, वो स्वलीन चिंतन है। अर्थात ये सपनों में खोए रहने वाली बातें हैं, हम अपने विचार या अपने में खोए रहते हैं, अपने गुण दोषों का विवरण भी करते हैं, तो स्वलीन चिंतन है। लेकिन अगर चिंतन का ऐसा स्वरूप जिसका संबंध वास्तविकता से है और जिसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है, वो दोस्तों चिंतन का यथार्थवादी चिंतन रूप कहलाएगा। तो चिंतन के मुख्य रूप से दो रूप है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्यारे दोस्तों, ये दो चिंतन के रूप थे, जिम्बार्ड और रुक ने इनको दो भागों में बांटा और इन्हीं दो भागों को वापस बांट दिया गया है, विशेष करके इन दो भागों का वर्गीकरण किया। स्वलीन चिंतन का कोई भी भेद नहीं होता, यथार्थवादी चिंतन को फिर तीन भागों में बांटा जाता है। तो इसके हम देखते हैं यथार्थवादी चिंतन के तीन रूप। प्यारे दोस्तों, यथार्थवादी चिंतन को बांटा है तीन भागों में, याद रखेंगे, यथार्थवादी चिंतन को बांटा हमने तीन भागों में, तीन भागों में, या तीन रूप जो है ये यथार्थवादी चिंतन के है। और यथार्थवादी चिंतन में सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। दोस्तों, दूसरा नाम आता है अपसारी चिंतन, जो कि कई बार आपको पढ़ने को मिलता है, कई बार उलझन क्रिएट होती है कि भाई किसको मैं अपसारी कहूं, किसको मैं अभिसारी कहूं। तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने चिंतन को देखा, चिंतन को पढ़ा, चिंतन को समझा, अब हम देख रहे हैं कि चिंतन हो गया, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को संगठित किया जाता है। अब हम देख रहे हैं चिंतन के प्रकार।
चिंतन के दो प्रकार थे मूल रूप से। सबसे पहला प्रकार था हमारा स्वलीन चिंतन, दूसरा हमारा है यथार्थवादी चिंतन। पहला इसमें हम देख रहे हैं यथार्थवादी का भेद अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। इन एक एक चिंतन को हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम तीनों को सामान्य रूप में समझ लेते हैं। चिंतन का ऐसा स्वरूप जो बहुत संक्षिप्त होता है या एक संक्षेप विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाए वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। दूसरा अपसारी चिंतन, ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाता है, अपसारी कहलाता है। और किसी के गुण दोषों की बात करना मतलब वो कौन सा चिंतन हो रहा है, आलोचनात्मक। प्यारे दोस्तों हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभिसारी चिंतन की। अभिसारी चिंतन को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कॉन्वर्गेंट थिंकिंग। दोस्तों कॉन्वर्गेंट थिंकिंग कहलाता है ये। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम देखते हैं। इसे हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों इसे डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं, हम सीधे सीधे शब्दों में कह दे तो डिडक्टिव थिंकिंग। और क्या है इसको लेकर एक और महत्वपूर्ण बात, ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जा रहा है। संश्लेषण, दो चीजें इसमें याद रखें, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है। अभिसारी का मतलब हो रहा है यहां पर किसी भी जो चीज है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, जो भी तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पर हम बात करेंगे तो एक तरह से कौन सा चिंतन रहेगा, अभिसारी रहेगा। दोस्तों एक और नाम इसको गणितीय चिंतन भी कहते हैं, गणितीय चिंतन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों जब किसी प्रकार के आंकड़े दे रखे होते हैं, किसी प्रकार के तथ्य दे रखे होते हैं, उन आंकड़ों या तथ्यों की सहायता से हम निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, मतलब हम अभिसारी चिंतन कर रहे हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में यहां पर ये ईंट है। सिंपल से एग्जांपल देखिए, ये ईंट है। मैंने कहा कि इस ईंट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ईंट भी टूट गई है दोस्तों, ईंट का प्रयोग किस रूप में या क्या किया जाता है। आपने सीधा कहा कि इसका प्रयोग जो है घर बनाने में किया जाता है, मतलब अभिसारी चिंतन कर रहे हो। अर्थात जब दिए गए आंकड़ों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर आप सीधे निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, मतलब आप वहां पर कौन सा चिंतन कर रहे हैं, वहां पर आप निगमनात्मक चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार की जब समस्या आती है या इस प्रकार का चिंतन होता है उसमें एक निश्चित उत्तर होता है, एक नियत जो उत्तर होता है, इसमें ज्यादा उत्तर नहीं होते हैं, या फिक्स उत्तर होता है। जैसे ईंट का प्रयोग किसमें किया जाएगा, सीधे कह दिया घर बनाने में। अर्थात ये कैसा चिंतन है, अभिसारी चिंतन है। अगर हम यूं कहें या सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि भाई बताइए भारत की जो है राष्ट्रपति उनके बारे में बताइए, तो किसी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब उनने अभिसारी चिंतन किया है। अर्थात दी गई विषय वस्तु के बारे में एक निश्चित उत्तर पर बोला गया, मतलब वहां पर अभिसारी चिंतन किया गया है। दोस्तों हमने कहा कि एक चेयर या एक टेबल को आरामदायक कैसे बनाया जाता है, किसी ने कह दिया गद्दा लगा दीजिए और आरामदायक वो बन जाएगा, मतलब वो अभिसारी चिंतन कर रहा है। निगमनात्मक चिंतन अर्थात ये नियम से उदाहरण की ओर जाता है, निश्चित नियम से सॉल्यूशन की ओर जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सारे आंकड़े जो अस्त व्यस्त होते हैं, फैले हुए होते हैं, उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। दोस्तों माफी चाहूंगा, इसमें सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो यहां पर क्या होगा, जितने भी आंकड़े होते हैं उनसे क्या किया जाता है, उनको संश्लेषित कर दिया जाता है, एक निश्चित उत्तर की ओर ले जाया जाता है। गणितीय चिंतन अर्थात जब गणित के सवाल आप हल करते हैं या गणित को जब आप समाधान के रूप में देखते हैं तो वहां पर भी ऐसी चीज आपको देखने को जरूर मिलती है। गणित के जो नियम होते हैं उन नियम के माध्यम से आप एक निश्चित उत्तर तक पहुंचते हैं, अर्थात वहां पर गणितीय चिंतन कहते हैं। दोस्तों
आसान शब्दों में यह कहे कि जो आंकड़े हैं तथ्य उन सभी को समेट कर एक निश्चित उत्तर की ओर ले जा रहे हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जा रहे हैं, फैले हुए आंकड़ों को समेट कर एक निश्चित उत्तर की ओर ले जा रहे हैं, मतलब वहां पर आप क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, मतलब संश्लेषण मतलब सीमित कर देना, विश्लेषण मतलब फैले हुए को एक सीमित कर देना है, क्या है, संश्लेषण है। तो प्यारे दोस्तों विश्लेषण से संश्लेषण की ओर अभिसारी चिंतन होता है, इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अगला चिंतन की हम बात कर रहे हैं, अगला चिंतन अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, ये चिंतन जो है दूसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन दोस्तों, इसे डाइवर्गेंट थिंकिंग भी कहते हैं, डाइवर्गेंट थिंकिंग। इसे पहचान या विशेषताएं देख लीजिए, इसको आगमनात्मक थिंकिंग या चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग, इसे सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, इसे संश्लेषण से विश्लेषण की ओर भी माना जाता है, इसे व्यापक चिंतन भी कहते हैं। दोस्तों सीधा सीधा फंडा यहां पर यह है, अपसारी का मतलब जो है फैला हुआ, अपसारी का मतलब व्यापक। दोस्तों यहां पर चिंतन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, आगमनात्मक चिंतन मतलब यहां पर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, कई प्रकार के तीन आंकड़े होते हैं, उन तीन आंकड़ों के आधार पर हम एक निश्चित नियम का निर्माण करते हैं, कैसा करने से ये होगा, इस तरह की चीजें की जाएगी तो ये परिणाम होंगे, अर्थात आप किस एक नियम का निर्माण कर रहे हैं, आगमनात्मक चिंतन हो रहा है। सृजनात्मक ये क्रिएटिविटी को जन्म देता है, क्योंकि नियम का निर्माण बाद में होगा, जब कोई काम हम करके देखेंगे। मान लो मैंने नमक का विलयन तैयार किया, नमक को जो है पानी में मिलाया, और पानी में मिलाने के बाद मैं उसको करके देख रहा हूँ, मतलब वहां पर सृजनात्मकता लेकर आ रहा हूँ, और वहां पर क्या कर रहा हूँ, उस नमक के विलयन को तैयार किया और उसे आग पर रखा और उसका वाष्पन कर दिया पानी का, बाद में नमक शेष रह गया, तो मैंने ये क्रिएटिविटी करके देखी और उसके आधार पर मैंने बताया कि भाई वाष्पन के बाद नमक शेष रह जाता है और पानी जो है उड़ जाता है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर सीमित चीजें हैं, सीमित चीजों से हम व्यापक की ओर जाते हैं। जैसे वही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, भाई मैं इस ईंट का प्रयोग किस रूप में कर सकता हूँ, तो कोई कहेगा ईंट का प्रयोग, अगर किसी ने कहा कि इसका प्रयोग मकान बनाने के लिए किया जाता है, तो ये अभिसारी चिंतन को दिखा रहा है, कॉन्वर्गेंट थिंकिंग को बता रहा है। अपसारी चिंतन का प्रयोग अगर करने की बात हो रही है कि भाई इस ईंट का प्रयोग किस रूप में करेंगे, तो ईंट का प्रयोग करने के रूप में वो व्यक्ति के द्वारा बताया जा सकता है कि भाई लड़ाई हो जाए तो किसी का सर फोड़ने के लिए, पेपर वेट के रूप में, क्रिकेट के स्टंप बनाने के लिए, और विचार कर सकते हैं आप चूल्हे बनाने के लिए। तो व्यापक रूप से सोच रहा है, मतलब वो अपसारी चिंतन कर रहा है। दोस्तों एक चेयर को किस तरह से आरामदायक बनाया जा सकता है, तो इसमें कई प्रकार के, जैसे कोई कह भी हमने कहा था अभिसारी चिंतन में कहा था कि गद्दा लगाकर उसको आरामदायक बनाया जा सकता है, अपसारी चिंतन में व्यक्ति कह सकता है कि घास लगाकर, घास फूस लगाकर, या फिर किसी प्रकार की पुरानी रद्दी है उनको लगाकर भी आप इस प्रकार आरामदायक बना सकते हैं, मतलब वो अपसारी चिंतन कर रहा है। तो दोस्तों चिंतन के दो रूप हो गए, एक हो गया अभिसारी चिंतन और एक हो गया अपसारी चिंतन। आखिरी चिंतन हम देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आखिरी चिंतन हमारा आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों, ये तीनों चिंतन जो यथार्थवादी चिंतन के ही रूप हैं,
आलोचनात्मक चिंतन, इसको हम एवल्यूटिव थिंकिंग भी कहते हैं, इवाल्यूटिव थिंकिंग भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एवोल्यूट करना है, एनालिसिस करने की बात यहां पर हो रही है। एवोल्यूएटिव, एवोल्यूएटिव ये छूट गया यहां पर, एवोल्यूएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। दोस्तों, चिंतन का वह रूप जिसमें किसी व्यक्ति के गुण और दोष दोनों के बारे में विचार किया जाता है और विचार करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, अर्थात तो आलोचनात्मक चिंतन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए वहां पर ऑड इवन फार्मूलों को अपनाया गया था, इस पर आप चिंतन कीजिए, तो उस पर हम चिंतन करेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी, कुछ नेगेटिव चीजें भी थी। उन चीजों पर हमने चिंतन किया और हमने देखा कि भाई उसकी पॉजिटिव चीजें ये कि सामान्यतः उससे प्रदूषण में कमी आई, नेगेटिव चीजें हैं कि किसी के पास मान लो कहीं जाना होता है और उसके पास सिर्फ ओड नंबर की गाड़ियां हैं तो बाहर ही निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में अगर हम देखें, आज मोदी जी के द्वारा कई प्रकार के आप सभी से अनुमोदन किए जा रहे हैं या आग्रह किए जा रहे हैं, घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है, उनके द्वारा मन की बात में माफ़ी मांगी गई गरीब लोगों से कि भाई जो भी आपको परेशानी हो रही है उनके लिए हम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और लॉकडाउन किया गया उसको अगर हम विचार करें, चिंतन करें, तो हमने उस पर भी आलोचनात्मक चिंतन में दो पक्ष निकल कर आएंगे, एक तो सकारात्मक पक्ष निकलेगा और एक निकलेगा नकारात्मक पक्ष। अर्थात चिंतन का ऐसा स्वरूप जिसमें किसी भी विषय वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक विषय वस्तु पर चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है, मतलब वो आलोचनात्मक चिंतन है। जैसे मोदी जी के द्वारा जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया उसके सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो क्या सकारात्मक पक्ष है? सकारात्मक पक्ष ये है कि इसके द्वारा कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसमें कमी आएगी। नकारात्मक पक्ष क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जल्दबाजी ये हो गई कि जो मजदूर हो रहे हैं या जब मजदूर पलायन कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते थे वहीं फंस गए, तो वो एक नकारात्मक पक्ष है, उनके बारे में सोचा नहीं गया, मजदूरों के पलायन के बारे में नहीं सोचा गया, मतलब ये नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष ये कि उनका मूल उद्देश्य जो था इस संक्रमण को कम करना था, अर्थात उनका इंटेंशन जो गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही थी। अर्थात अगर हम दोनों ही पक्ष के बारे में बात करें, मतलब वो कैसा चिंतन हो गया? आलोचनात्मक चिंतन। तो प्यारे दोस्तों, चिंतन के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। चिंतन एक उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को संगठित किया जाता है। चिंतन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वलीन चिंतन, दूसरा होता है यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन चिंतन वह होता है जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में विचार करता है, स्वयं के बारे में खोया रहता है, स्वयं के बारे में विचार करता रहता है, मनन करता रहता है। दूसरा यथार्थवादी चिंतन, चिंतन का वह स्वरूप जिसका प्रयोग किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन का सीधा संबंध वास्तविकता से होता है। यथार्थवादी चिंतन को हमने तीन भागों में बांटा, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन का सीधा संबंध जो है एक निश्चित उत्तर की ओर पहुंचना होता है या सीमितता की ओर होता है, जबकि अपसारी चिंतन में जो है सीधे सीधे एक व्यापक उत्तर की ओर पढ़ा जाता है। एक उत्तर ना होकर कई सारे उत्तर होते हैं अपसारी चिंतन में, एक उत्तर होता है अभिसारी चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन, सीधे सीधे आलोचनात्मक चिंतन में हम किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव विषय पर बात करते हैं। दोस्तों सीधा सीधा संबंध देखिए, यहाँ पर एक मोबाइल को लेकर मैं बात कर लेता हूँ और मोबाइल से लेकर हम समझते हैं तीनों चिंतन को लास्ट में जाते जाते। मोबाइल हमारे सामने है, मोबाइल के बारे में हम बात करें, मैंने किसी बच्चे को बुलाया, उससे कहा कि मोबाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मोबाइल का प्रयोग किया जाता है, मोबाइल का निर्माण किया बात करने के लिए किया जाता है। उस बच्चे के द्वारा उत्तर दिया गया कि बात करने के लिए मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। ये कहा, मतलब वो अभिसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन किस में होगा?
भाई किसी बच्चे को बुलाया भाई कि बताओ मोबाइल का प्रयोग किस रूप में होगा, वो कहेगा बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, पबजी देखने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, या कैलकुलेटर की तरह यूज़ करने के लिए। वो चिंतन कैसा कर रहा है? आप सारी चिंतन। और किसी तीसरे व्यक्ति से कहा कि भाई बताओ इसके गुण दोष बताइए, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष ले रहा है। मोबाइल से हमारे बहुत समय की बचत हुई है, नकारात्मक ये कि इससे हम किसी बहुत गलत तरह की आदतें हमसे पड़ी है, या हम मोबाइल छोड़ नहीं पाते हैं, रात को भी चलाते रहते हैं, या मोबाइल से हमारे समय की बर्बादी होती है, नकारात्मक पक्ष है। तो दोस्तों मैंने तीनों बताए यहाँ पर, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। प्यारे दोस्तों आज क्लास हम यही समाप्त करेंगे। हो सकता है कि वीडियो की गुणवत्ता आपको सही प्राप्त ना हो, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य आपको ऐसे समय में भी वीडियो उपलब्ध कराना रहेगा, क्लासेस उपलब्ध कराना रहेगा। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।